अभी मैं घूम रहा हूँ मैक्सिमम मैं ये चीज़ शायद गोवा वगैरह में देखा हूँ वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे तो मैं कभी आज तक बैठा नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सिट ओवर हियर। लाइक आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस राइड। लेट्स एंजॉय गाइस। वाटर स्पोर्ट्स का नाम एंथनी है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम निक्सन। निक्सन, ओके। तो रेट्स बता दोगे प्लीज आप मुझे, क्या क्या रेट्स? क्या जर्सी का रेट है 400 परसेंट और बोटिंग का 150, ओके, और बम्पर राइड का 200, बनाना का 200, ओके, और ट्विस्टर बम्पर है उसका 400। तो अगर किसी को पैकेज में लेना होगा तो पैकेज में डिस्काउंट मिलता है ना? तो कितना होगा अप्रोक्स? पैकेज बनता है सारे 1200 का। हाँ, हम लोग 1100 में करते हैं। तो 1100 में टोटल सब सारे घूम सकते हैं, पांचों राइड घूम सकते हैं। तो अगर आपको आना है डेफिनेटली पैकेज ट्राई करो। अगर आपके मेरी तो फटके हाथ में आ गए, बाय द वे बार बार बोल रहा हूँ मेरे को डर लगता है कि पानी में गिर जाऊंगा। तो आपने लाइव किया अभी? यस, मैंने एक किया। लगा कि नहीं भाई राइड वर्थ है यहां पर आने का, तो राइड आया तो मैंने ये राइड नहीं किया ना। हाँ, तो कुछ नहीं किया मतलब। जेट स्कीइंग में जा रहे हो? ओके, सो ये जा रहे हैं जेट स्कीइंग में करने के लिए। ये और एक इन्होंने शायद पैकेज लिया हुआ है पूरा, तो वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देख पा रहे हो आप जेट स्कीइंग वाला सीन अभी तक घुमा रहे हैं। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी फॉर हिम। वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बाबा। ओह, ये वाला शॉट देखो आप कैसा लगा। डन 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 डन। भाई कह रहा है ना, हाँ, सबका हाथ यहाँ पे बहुत साफ है। लोग इतने हैं कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं फिलहाल। ये एक राइड है जिसमें ये लोग बैठ रहे हैं। ये क्या चिल प्लेस है ब्रो, सुपर चिल प्लेस है। ये लोग वापस आ गए घूम के, इनको देखते हैं कैसा लगा। इनके अंदर जान बचा है नहीं बचा है पूछ लेते हैं। जितने लोग गए थे सब वापस आए ना? कैसा लगा? मुझे लगा कि बीच में से गिर जाओगे तुम लोग। आई एम हैप्पी दैट पीपल आर एंजॉयिंग इवन यंग एज में। अभी आज के टाइम पे हम लोग घूम रहे हैं। कैसा लगा सबका ड्राइव? ये बंदा चिल है, ये बंदा कूल है बाबा। कैसा लगा? डर के भी बोल रहे अच्छा था, बट अच्छा लग रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच। मैं खुद ही नहीं जानता था कि इतना सब कुछ है वहाँ पे और इतना फन प्लेस है। बट अभी ये देख के मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा था लाइफ में। आप लोगों की वजह से मैं एक्चुअली इधर आया विजिट करने के लिए और देखने के लिए, और साथ में मैं भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच टू यू गाइस अगेन। एंथनी वाटर स्पोर्ट्स करके एक पूरा एजेंट है यहाँ पे, जो आप आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। लैरी शन करके ये बहुत बहुत कूल बंदा है। आपका एज क्या है? 19। अरे झूठ बोला था जो। आपका नाम क्या है? एडर। ओके, दीज पीपल आर वेरी हेल्पफुल। ये एक ट्विस्टर है जिसको वो लोग अभी घुमा रहे हैं। इसको बांधते हैं ये बोट के अंदर, फिर बाद में घुमाते हैं। मैं एक्चुअली सोचा नहीं था कि मुझे ये चांस मिल जाएगा अभी आपको दिखाने के लिए, बट आई एम रियली हैविंग फन। तो लेट्स एंजॉय द व्यू। तो ये जो राइड दिख रहा है आपको, वो ये तो बहुत ही सुपर बाप है भाई। आई एम रिक्वेस्टिंग गाइज, आप लोगों को आना है तो डू कम एंड यहाँ पे आके आप ये पूरा राइड लो, एंजॉय करो। आप लोगों को इससे अच्छा बेटर राइड कहीं पे मिलेगा नहीं। मैं तो पागल हो रहा हूँ। आई एम रियली हैविंग फन। इतना गोराई में मिलना, इट इज वेरी फन। सो पीपल आर coming and they are enjoying these rides. Oh, this is fun. मैं पूरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, but thank you so much for this guy. He is driving crazy. Man, ये है एंथनी वाटर स्पोर्ट्स और ये है आप इनको बोलना है, आपको इनको बोलना है अगर मिलते हैं कहीं पे एंथनी, तो आप डेफिनेटली इनको बोलिए। और ये बंदा तो बहुत अच्छा है, he helped me a lot. और ये क्या क्या मसल रहे? ये तो अपनी सुबह है। ये इसमें अभी ये सब कर रहे हो वाटर स्पोर्ट्स के लिए? मुझे लगा नहीं था कभी कि गोरा इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने उनको बोला कि मेरे को जेट स्कीइंग में एक बार ट्राई मारना है। इधर तक आया हूँ तो हर दिन आता हूँ बट ये मिस करता हूँ। अभी मेरे को जेट स्कीइंग ट्राई करना है, तो उनको मैंने बोला कि थोड़ा स्लो लो, बट
थोड़ा मुझे एंजॉय करना है, टीशर्ट के आ जाओ, मैं तो अभी जा रहा हूँ एंजॉय करने, आप व्यू एंजॉय करो। मैं आ गया जेट स्कीइंग वाला फाइनली करके, तो आई एम प्रिटी हैप्पी नाउ कि कम से कम मैंने एक जेट स्कीइंग कर लिया। बट एक्चुअली ड्राइव नहीं किया, बट वो जो एंजॉय कर रहा था, जो टाइम था ना, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। दैट इज़ रियली नाइस। एंड मैं लिटरली सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपको आना है, एंजॉय करना है, अगर आपका दिन खराब जा रहा है या स्ट्रेस है लाइफ में, वैसे ही स्ट्रेस बहुत सारा है लाइफ में आजकल हर किसी के पास, तो डेफिनेटली अगर आप मुंबई से नहीं हो, अगर आप मुंबई आ रहे हो, तो डू कम गोराई बीच। आपको 12:30 के बाद 1 बजे के आसपास ये लोग सारा राइड मिलेगा, और सारा मैंने रेट्स वगैरह सब डाल दिया हूँ वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, इवन उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है।